हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 6। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो आज हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उन मेटल्स के जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाई होती है उनको हम आसानी से किसी और मेटल या एलिमेंट से रिड्यूस नहीं कर सकते। यानी अगर उनका मेटल ऑक्साइड हमें मिल जाए तो उसको हम ना तो कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं और ना ही किसी और एलिमेंट से। ठीक, तो जितने भी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू। ठीक, तो जब भी हम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उससे पहले हम उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर हम उसके थ्रू करंट पास करवाते हैं। वो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं एनोड और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, तो एनोड कैथोड से हम एक पूरा सर्किट बना लेते हैं और जब इसके थ्रू करंट पास करता है तो जो हमारे पास मोल्टन स्टेट में ओर रखा होता है उसके थ्रू जब करंट पास करता है तो उससे जो प्योर मेटल होता है वो अलग हो जाता है और जो उसमें बाकी बची गैसेज होती है वो अलग रिलीज हो जाती है। ठीक, तो कैथोड पे हमें मेटल मिल जाता है और एनोड पे जितनी भी गैसेज होंगी वो उसके थ्रू रिलीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं सोडियम का। तो सोडियम को जब हम सोडियम क्लोराइड में से अलग करते हैं तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करते हैं क्योंकि जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो अगर हम सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए रिएक्शन देखें तो कैथोड पे क्या होगा कि सोडियम आयन होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे वो सोडियम मेटल बना लेगा। ठीक है, तो अगर हम एनोड पे देखें तो एनोड पे हमें दिखेगा 2Cl-। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है। ठीक है, 2Cl है यहाँ पे तो इनके पास दो इलेक्ट्रॉन फालतू है तो यहाँ पे ये बन जाएगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए जो कि बाद में ये मेटल आयन ने ही गेन किए होंगे जिसके बाद वो मेटल बना। ठीक, और यहाँ पे ये गैस बन के Cl2 रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला जो प्रोसेस है कैथोड पे जो हो रहा है, जो मेटल आयन मेटल में चेंज हो रहा है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं और एनोड पे क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक, तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जैसे हमने यहाँ पे सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, इसी टाइप से जितने भी हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनको भी हम सिमिलरली इसी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की। तो रिडक्शन प्रोसेस के बाद जो हमें मेटल मिलता है वो प्योर स्टेट में नहीं होता है, तो उसको प्योर करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसी को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। ठीक, तो जनरली जो प्रोसेस हम रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं ज्यादातर मेटल्स के लिए वो प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हम इसमें करंट पास करवाएंगे और उसके थ्रू हम मेटल को प्योर स्टेट में लेकर आएंगे। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे होते हैं किसी मेटल की तो हम क्या करते हैं, इसमें जो प्योर मेटल होता है उसको कैथोड बनाते हैं और जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड बनाते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास एनोड होगा जो कि हमारे पास इम्प्योर मेटल है उसकी हमारे पास थिक रॉड होगी और जो हमारे पास कैथोड होगा जो कि हम प्योर मेटल यूज करेंगे उसकी जो रॉड होगी वो बहुत थिन होगी। ठीक, और साथ में हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व कर लेंगे और जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करेंगे वो उसी मेटल का सॉल्ट यूज करेंगे जिस मेटल की हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हम कॉपर का सॉल्ट यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तो उसके थ्रू हम करंट पास करवाएंगे। तो करंट पास करवाने पे क्या होगा कि जो एनोड पे प्योर मेटल डिपॉजिट होगा वो वहां से टूट के इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वो वहां से जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से जैसे जैसे उसमें करंट पास करता जाएगा एनोड से जो प्योर मेटल है वो डिसॉल्व होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में और वो जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा कि जो हमारा एनोड होगा वो बाद में जाके थिन हो जाएगी रॉड और जो हमारी कैथोड की रॉड थी वो जाके थिक हो जाएगी जिसपे हमारा प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो सॉल्युबल होंगी वो डिसॉल्व हो जाएंगी इलेक्ट्रोलाइट में और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो एनोड के नीचे जाके जमा हो जाएंगी एज एनोड मड। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस को डिफाइन करना चाहें
तो हम उसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एज एनोड मड। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसको शो करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए एक सेटअप तैयार किया, ठीक है। तो इसमें हमने इम्प्योर कॉपर को इसका एनोड बनाया और जो प्योर कॉपर था हमारे पास उसको हमने कैथोड बनाया, ठीक। और जो इम्प्योर कॉपर है उसकी जो रॉड है वो थिक है और जो प्योर कॉपर है उसकी जो रॉड है वो थिन है इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग में। और उसके बाद हमने यहां से एक सर्किट ज्वाइन कर दिया इन दोनों के थ्रू, यहां से ये की हमने ज्वाइन करी है, ठीक। और इसमें हमने ये सॉल्यूशन रख लिया इसी कॉपर का, तो जो हमने सॉल्यूशन रखा है वो रखा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, ठीक। अब जैसे ही हम इसमें करंट पास करवाएंगे तो एनोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास करेंगे और वो कैथोड में एंटर करेंगे, ठीक। और इससे क्या होगा, जैसे ही इसमें करंट पास करेगा तो ये जो एनोड है जो कि इम्प्योर मेटल की हमारी रॉड है तो इसमें से प्योर मेटल निकल के इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी प्योर जो आयन्स होंगे कॉपर के वो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और वो यहां से इस इलेक्ट्रोलाइट में से निकल के जाकर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक। तो लास्ट में फाइनली क्या होगा, ये रॉड जो होगी वो पतली हो जाएगी और ये वाली जो रॉड है वो मोटी हो जाएगी, तो हमें यहाँ प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक। और जो बाकी इसमें इम्प्योरिटीज होंगी कुछ इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में ही और जो नहीं होंगी वो नीचे यहाँ एनोड मड की फॉर्म में जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉपर के लिए था। इसी टाइप से अगर हम किसी और मेटल का देखते हैं तो यहाँ कॉपर की जगह कोई और मेटल का एनोड और कैथोड ले लेते हैं, ठीक, और यही प्रोसेस उसके लिए हम फॉलो करते हैं, ठीक। तो बात करते हैं अब कोरोजन की। तो आपने देखा होगा कि कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन होता है, अगर उसको हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दें या फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें जहां वो भीग रहा हो पानी में, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है उसकी सरफेस जो है वो ब्राउनिश होनी शुरू हो जाती है या फिर कुछ टाइम बाद हमें ऐसा दिखता है कि उसकी कुछ सरफेस का हिस्सा गायब हो गया, ठीक। तो जिस प्रोसेस के थ्रू उस मेटल की जो सरफेस है वो ब्राउनिश होनी शुरू हो गई है या फिर उसकी सरफेस जो है वो गायब होनी शुरू हो गई है, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो अगर हम कोरोजन को डिफाइन करना चाहें तो हम इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर एक्सेट्रा। तो बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की। तो हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला तरीका है बाय पेंटिंग द सर्फेस ऑफ द मेटल, ठीक है। तो हम जिस भी मेटल को कोरोड होने से बचाना चाहते हैं तो उसकी सरफेस को हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल की सरफेस को अगर हम पेंट कर लेंगे तो क्या होगा, उसकी सरफेस एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी और अगर वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी तो मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, यानी ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर नहीं जमा होगी, ठीक है, क्योंकि अब बीच में पेंट की लेयर होगी तो पेंट के कॉन्टेक्ट में आएगी एयर, मेटल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगी जिसकी वजह से कोरोजन होने से बच जाएगा, ठीक। इसी टाइप से हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, वो है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं मेटल की सरफेस को ग्रीस या ऑयल कर सकते हैं। इसमें भी वही होगा सेम कि अब बीच में एक लेयर आ जाएगी या तो ग्रीस की या तो ऑयल की जो एयर और मेटल का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करेगी और कोरोजन होने से बचाएगी, ठीक। तो जो हमारा नेक्स्ट तरीका है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ प्लेटिनम एंड क्रोमियम कैन बी डन टू प्रोटेक्ट द मेटल, ठीक है। तो जिस भी मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि जिस मेटल को बचाना है उसके ऊपर एक और मेटल की हम प्लेट चढ़ा देते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो की जाती है वो प्लेटिनम और क्रोमियम मेटल से की जाती है, ठीक।
इसी टाइप से जो अगला मेथड है वो है गैल्वनाइजेशन कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन में भी हम क्या करते हैं, जिस मेटल को हमें बचाना है उसके ऊपर हम दूसरे मेटल की लेयर लगाते हैं, और वो जो दूसरा मेटल है वो इस केस में जिंक होता है। ठीक है, तो जिंक के थ्रू ही हम गैल्वनाइजेशन करते हैं। तो हमें जिस मेटल को बचाना है हम क्या करते हैं, उसको मोल्टन जिंक में डिप कर लेते हैं, और उससे क्या होगा, जिंक की एक लेयर उस मेटल के ऊपर चढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा वो मेटल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसमें कोरोजन आसानी से नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं एलॉय की। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो उससे जो नया एलिमेंट बन के सामने आता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो जनरली हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास ओरिजिनल मेटल था उसकी प्रॉपर्टीज को हम एनहांस कर सकें। ठीक है, यानी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको और अच्छा कर सके। जैसे मान लो किसी एलिमेंट का हम चाहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, तो उस हिसाब से हम उसमें मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनहांस हो जाए। तो इसी टाइप से जो भी हमें प्रॉपर्टीज उसकी इनहांस करनी होगी उसके हिसाब से हम उसमें चीजें मिक्स कर लेते हैं। तो अगर हम एलॉय को डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. It is prepared by mixing the metals in molten form, then cooling the mixture. ठीक? तो इसी के साथ आपका metals and non-metals chapter खत्म हुआ। I hope आपको ये video पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको like करें, share करें, comment करें, channel को subscribe भी करें। Keep supporting and thank you so much.